आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे विभाग में प्रचलित विभिन्न प्रकार के अवकाश हैं उनके बारे में। तो कुल 10 से 11 तरीके के अवकाश हैं जो हम लोग समय समय पर लेते हैं। तो इसमें इस कड़ी में सबसे पहला जो अवकाश है जो हम लोग सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो हम लोग यूज करते हैं तो उसको कहते हैं आकस्मिक अवकाश या कैजुअल लीव, CL जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो आकस्मिक अवकाश जो होता है, जैसा ये नाम बता रहा है कि आकस्मिक परिस्थितियों में दिया जाता है, और अवकाश जो है कोई भी अवकाश हो वो आपका राइट नहीं है, ये उपलब्धता के आधार पर आपको दिया जाता है। तो कैजुअल लीव या CL जो होता है एक राजपत्रित अधिकारी के लिए एक वर्ष में मैक्सिमम 14 दिन अनुबंध है, और जो अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक वर्ष में मैक्सिमम 30 दिन अनुबंध होता है। और आकस्मिक अवकाश एक बार में मैक्सिमम 10 दिन तक का दिया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से ज़्यादा का भी दिया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट, आकस्मिक अवकाश में आपको पूर्ण वेतन देय होता है। आकस्मिक अवकाश से रिलेटेड दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में काफ़ी इसका कन्फ्यूज़न है कि अगर कोई, हम लोग जो CL लेते हैं उसके मध्य में अगर कोई राजपत्रित अवकाश पड़ता है तो उसका क्या होता है, क्या वो हमारे CL में काउंट होगा या नहीं होगा। तो इस संबंध में एक विस्तृत GO जारी हुआ था काफ़ी पहले, तो उस GO में क्लियर कट बताया गया है कि अगर आपके जो आकस्मिक अवकाश की जो अवधि है उसके बीच में अगर कोई राजपत्रित अवकाश या संडे पड़ता है तो उसको आकस्मिक अवकाश में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो प्रचलन में है वो यही है कि अगर उसके बीच में कोई आकस्मिक अवकाश के बीच में अगर कोई राजपत्रित अवकाश या संडे पड़ता है तो उसकी परमिशन जो है सक्षम अधिकारी से पहले पहले से ही ले लेते हैं, और फिर उसको जो है आकस्मिक अवकाश के साथ उसको हम एज ए अवकाश एंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आकस्मिक अवकाश के शुरुआत में या अंत में कोई राजपत्रित अवकाश या संडे पड़ता है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी से परमिशन लेके आप उसको भी अपने आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त आप छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आकस्मिक अवकाश से संबंधित एक नियम हो गया। दूसरे तरीके का जो अवकाश है उसको कहते हैं प्रतिकार अवकाश या कंपनसेटरी लीव। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है प्रतिकार अवकाश का चलन हमारे विभाग में है। तो ये जनरली इसका तात्पर्य उस अवकाश से है जो कि किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश के दिनों में अगर बुलाकर उससे कोई राजपत्रित कार्य कराया जा रहा है तो उसके एवज में वो प्रतिकार अवकाश को क्लेम कर सकता है। ये केवल अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू होता है। जैसे कभी संडे पड़ा या कोई राजपत्रित अवकाश पड़ा, राजकीय अवकाश पड़ा, तो उसमें कोई ऑफिशियल वर्क है जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो अगर आप उस राजपत्रित अवकाश या संडे को काम करते हैं तो उसके प्रतिकर में आप जो है किसी वर्किंग डे पे प्रतिकर अवकाश क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि अगर आपने एक्स डे मतलब किसी किसी दिन आपने अगर अवकाश के दिन में आपने वर्क किया है तो विदिन 1 मंथ आप उसके फलस्वरूप जो भी प्रतिकर अवकाश आपका बनता है उसको आप क्लेम कर दें। तो 1 महीने के अंदर जिस दिन आप आए हैं अवकाश के दिन कार्य करने के लिए उसके 1 महीने के अंदर आप उसको क्लेम कर लें। विशेष परिस्थितियों में या जनहित को देखते हुए एक वर्ष एक माह से ज़्यादा की भी सीमा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 माह में मैक्सिमम 2 ही प्रतिकर अवकाश आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये प्रतिकर अवकाश के बारे में होगा कि आप अगर किसी राजकीय अवकाश या संडे को आप सरकारी कार्य कर रहे हैं तो फिर उसके एवज में आप प्रतिकर अवकाश को क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 1 महीने में मैक्सिमम 2 ही प्रतिकर अवकाश आपको दे होते हैं। तीसरे तरीके का जो अवकाश होता है वो होता है अर्जित अवकाश, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अर्नड लीव। अच्छा, अर्नड लीव क्यों बोलते हैं? अर्नड लीव इसको इसलिए बोलते हैं कि ये आपका अवकाश, आपने जो भी सरकारी सेवा दी है उसके एवज में आपने अर्न किया है तो आपके खाते में वो जमा होता जाता है, इसलिए उसको अर्नड लीव बोलते हैं, अर्जित अवकाश बोलते हैं। तो अर्जित अवकाश जो होता है ये दोनों ही तरीके के कर्मचारी, या स्थायी या फिर अस्थायी, दोनों ही तरीके के कर्मचारियों पर लागू होता है। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में हर 2 छमाही में ये किस्तों में आपके खाते में ऐड कर दिया जाता है। यानी 1 जनवरी को 16 अवकाश आपके, अर्जित अवकाश आपके खाते में ऐड कर दिए जाते हैं, और 1 जुलाई को 15, यानी एक साल में टोटल 31 अर्जित अवकाश आपको आपके खाते में आपके अकाउंट में ऐड होते हैं। और अगर 6 माह से कम का समय अगर आपकी सेवा का बचता है तो फिर उसमें हर माह के हिसाब से 2.5 अवकाश, 1 माह के 2.5 अवकाश आपके खाते में ऐड होते हैं। तो ये तो ईयर का कैलकुलेशन का तरीका हो गया। मैक्सिमम ईयर जो होता है, जो स्थायी सरकारी सेवक है उसके लिए मैक्सिमम 300 ईयर ही उसके खाते में मैक्सिमम क्रेडिट हो सकती है उसके पूरे सेवाकाल के दौरान। तो ये मैक्सिमम ईयर हो गया।
अच्छा, एक बार में मैक्सिमम 120 दिन ईएल ही स्वीकृत की जाती है, 120 दिन मैक्सिमम ईएल स्वीकृत की जाती है, और एक बार में आपके अकाउंट में मैक्सिमम 300 ईएल ही आप क्रिएट कर सकते हैं। और 120 ईएल अगर आप भारत के बाहर, अगर भारत के अंदर अगर आप रहेंगे उस ईएल के दौरान, तो 120 दिन मैक्सिमम है, और अगर भारत के बाहर आप रहते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 180 दिन ईएल आप क्लेम कर सकते हैं। अस्थायी कर्मचारी जो होते हैं उनका जो कोटा होता है वो होता है मैक्सिमम 180 दिवस, यानी वो अपने पूरे सेवा काल में, जो अस्थायी सेवा काल है उसमें 180 दिवस मैक्सिमम आकस्मिक जो अर्जित अवकाश है वो आपके खाते में क्रेडिट हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे मैक्सिमम 300 दिवस अगर आपके खाते में अर्जित अवकाश ऐड है, तो आप उस 300 दिवस या उससे कम का जो भी आपका अर्जित अवकाश का जो बैलेंस है उसका आप नकदीकरण करा सकते हैं। तो ये अर्जित अवकाश का एक फ़ायदा भी होता है। तो मोटा मोटा अगर आप समझें तो 1 साल में 31 अर्जित अवकाश, मैक्सिमम आपके खाते में 300 अर्जित अवकाश ऐड हो सकते हैं, एक बार मैक्सिमम आप 120 दिवस अर्न लीव ले सकते हैं अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, और मैक्सिमम 180 दिवस ले सकते हैं अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं। तो ये अर्जित अवकाश का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगले तरीके का जो अवकाश होता है निजी कार्य पर अवकाश। तो निजी कार्य पर जो अवकाश होता है वो भी अस्थायी और स्थायी दोनों तरीके के कर्मचारियों के लिए देय होता है। बस कंडीशन यह है कि स्थायी कर्मचारी जो होता है, स्थायी सरकारी सेवक है, उसको अपने पूरी सेवा काल में मैक्सिमम 365 दिन तक का ही निजी कार्य पर अवकाश ले सकता है, और वहीं पर जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं वो अपनी पूरी सेवा काल में मैक्सिमम 120 दिवस का निजी कार्य पर अवकाश ले सकता है। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में टोटल 31 जो निजी कार्य पर अवकाश आपके खाते में क्रेडिट होते हैं, और एक बार में मैक्सिमम 90 दिन का ही निजी कार्य पर अवकाश आप ले सकते हैं अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं, तो इंडिया के बाहर रहते हैं तो मैक्सिमम 180 दिवस का ले सकते हैं। और जो निजी कार्य पर अवकाश है वो 2 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद ही आपको देय होता है, और निजी कार्य पर अवकाश में आपको जो वेतन होता है वो हाफ पे आपको देय होती है। मतलब जिस दिन आप निजी कार्य पर अवकाश पर रवाना हो रहे हो उसके पहले जो भी आपका वेतन बनता है उसका हाफ वेतन आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से जो मैंने अर्जित अवकाश आपको बताया था, अर्न लीव में आप जिस दिन अर्न लीव पर आप रवाना होते हैं उसके पहले जो भी आपका वेतन है वो पूर्ण वेतन आपको अर्न लीव में देय होता है। तो ये अर्न लीव में आपको पूरा वेतन मिलता है, और जो निजी कार्य पर अवकाश है उसमें आपको हाफ वेतन मिलता है। तो ये हो गया आपका निजी कार्य पर अवकाश। अब आते हैं चिकित्सा अवकाश पर। तो चिकित्सा हेतु जो अवकाश होता है वो भी स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके के सरकारी सेवकों पर लागू होता है। संपूर्ण सेवा काल में जो स्थायी सेवक है उसको कुल 12 महीने का चिकित्सा अवकाश दिया जाता है, जब वो किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को पेश करता है, और यदि 12 महीने में उसका जो इलाज संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर उसको 6 माह का अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है। तो कुल 12 माह प्लस 6 माह यानी 18 माह का उसको मैक्सिमम पूरी सेवा काल में चिकित्सा अवकाश दे होता है। अस्थायी सेवकों में यही चिकित्सा अवकाश मैक्सिमम 4 मंथ्स का दे होता है, लेकिन अगर उसी अस्थायी सेवक ने अपनी 3 साल की अस्थायी सेवा पूरी कर ली है तो फिर वो भी स्थायी सेवकों की भांति 12 माह का अवकाश, चिकित्सा अवकाश ले सकता है। अंतर यही है कि वो जो स्थायी सेवकों को 6 माह का अतिरिक्त अवकाश मिलता है वो उसको नहीं मिलेगा, वो केवल मैक्सिमम 12 माह का ही अवकाश अस्थायी सेवक जो 3 साल की सेवा पूर्ण कर चुका है। तो इसमें 3 कैटेगरी बन गई, एक स्थायी सेवक उसको मैक्सिमम 12 प्लस 6 माह यानी 18 माह क्लेम कर सकता है, अस्थायी सेवक जिसने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अस्थायी सेवा उसको 12 माह मैक्सिमम, और अस्थायी सेवक जिसने अपनी 3 वर्ष की सेवा ना पूर्ण करी हो उसको मैक्सिमम 4 माह का चिकित्सा अवकाश किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर प्रमाण पत्र पर दे होता है। एक बार में मैक्सिमम 60 दिवस का ही चिकित्सा अवकाश दिया जाता है जनरली, लेकिन वो चिकित्सा अवकाश जो है संस्तुति पर बढ़ भी जाता है। चिकित्सा अवकाश के दौरान आपको अर्जित अवकाश की भांति पूर्ण वेतन देय होता है, लेकिन स्थायी सेवकों को 12 माह और प्लस 6 6 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा मिलता है तो 12 माह तक उसको पूर्ण वेतन देय होता है, और जो एक्स्ट्रा 6 महीने का मिलता है उसको चिकित्सा अवकाश उसमें उसको अर्ध वेतन देय होता है यानी हाफ पे मिलता है।
अवकाश समाप्ति के उपरांत आपको एक फिटनेस प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ वो पेश करना होता है। तो अगर आप 90 दिवस से कम का चिकित्सा अवकाश ले रहे हैं तब तो आप जो है चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पेश कर सकते हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र। और 90 दिन से अधिक अगर आप क्लेम कर रहे हैं चिकित्सा अवकाश, तो फिर इसमें आप चिकित्सा परिषद यानी मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आप पेश करेंगे, फिटनेस प्रमाण पत्र। तो ये आपका चिकित्सा अवकाश के संबंध में कुछ बातें हो गई। अब आते हैं मातृत्व अवकाश पर। मातृत्व अवकाश स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन पर देय होता है, यानी मातृत्व अवकाश में आपको जो महिला सरकारी कर्मचारी होती है उनको पूर्ण वेतन देय होता है। अब मातृत्व अवकाश में भी दो डिवीज़न हो गए हैं। 2008 में एक जीओ आया था, उसमें मातृत्व अवकाश में एक प्रसूति अवकाश हो गया और दूसरा बाल देखभाल अवकाश या CCL चाइल्ड केयर लीव। तो मातृत्व अवकाश में दो तरह के अवकाश होते हैं, एक होता है प्रसूति अवकाश और दूसरा होता है चाइल्ड केयर लीव यानी बाल देखभाल अवकाश। तो सबसे पहले प्रसूति अवकाश पे आते हैं। प्रसूति अवकाश जो है प्रसवावस्था में यानी डिलीवरी के दौरान ये आपको दिया जाता है और ये मैक्सिमम 180 दिवस का एक बार में दे होता है और पूरी सेवा काल में मैक्सिमम आप दो बार ले सकते हैं। अगर दो बार लेने के बाद भी अगर आपका कोई जो बच्चा है वो या तो विकलांग हो या फिर किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो तो आप इसको अपनी सर्विस में तीन बार भी क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम तीन बार। उसी तरीके से बालिक देखभाल अवकाश के दौरान अगर आपको अपने बच्चे को कोई बीमारी है उसकी देखभाल के लिए या फिर उसकी परीक्षा वगैरह है तो उसमें उसकी मदद करने के लिए टू द मैक्सिमम ऑफ 18 ईयर्स, मतलब आपका बच्चा 18 साल तक का हो जाए तब तक आप बाल देखभाल अवकाश को क्लेम कर सकती हैं। ये जो है संपूर्ण सेवा काल में मैक्सिमम 730 दिवस यानी दो वर्ष का ही देय होता है। पहले ये बाल देखभाल अवकाश का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये केवल प्रसूति अवकाश का कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये 2008 में एक जीओ आया उसे बाल देखभाल अवकाश या चाइल्ड केयर लीव इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये मैक्सिमम 730 दिवस आप अपने पूरी सेवा काल में ले सकती हैं। ये जो बाल देखभाल अवकाश होता है ये कोई गोद ली हुई संतान है उस पर भी लागू होता है। तो अब प्रसूति अवकाश में कंडीशन ये है कि दो प्रसूति अवकाश जो हैं उनके बीच में एटलीस्ट 2 साल का गैप होना चाहिए, यानी जब आपका प्रसूति अवकाश एक प्रसूति अवकाश समाप्त हो रहा है उसके बाद अगला प्रसूति अवकाश आप दो साल के गैप पर ही ले सकते हैं। इसी में गर्भपात के मामलों में 6 वीक का अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है, 6 सप्ताह का अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है। इसके लिए जो है सक्षम चिकित्सा अधिकारी अपना प्रमाण पत्र जारी करता है, तो आपको गर्भपात होता है उसके दौरान आपको 6 वीक का यह अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका मातृत्व अवकाश, जिसमें प्रसूति अवकाश और चाइल्ड केयर लीव यानी बाल देखभाल अवकाश भी शामिल होता है। तो ये पूर्ण वेतन पर देय होता है। एक और तरीके का अवकाश होता है जिसे बोलते हैं हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव या असाधारण अवकाश। असाधारण अवकाश स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके के सरकारी सेवकों पर लागू होता है। ये अवकाश जो है स्थायी सरकारी सेवकों को अपनी पूरी सेवा काल में मैक्सिमम 5 वर्ष का दिया जा सकता है और अस्थायी सरकारी सेवक जो होते हैं उनमें ये अवकाश की अवधि जो है वो अलग अलग सीमाओं पर होती है। जैसे कि 3 माह का जनरल जो अस्थायी सेवक होते हैं उनको 3 माह का मैक्सिमम दिया जा सकता है। 6 माह का यदि संबंधित अस्थायी सरकारी सेवक ने 3 वर्ष की निरंतर सेवा जो है वो पूर्ण कर ली हो। 18 माह का यदि संबंधित सरकारी सेवक ने 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो और वह 6 रोग या कुष्ठ रोग से यानी TB से और लेप्रेसी से का उपचार करा रहा हो तो उसको 18 माह का दिया जा सकता है। और 24 महीने का यानी 2 साल का अगर उसने संपूर्ण स्थायी सेवा की अवधि में 36 माह की अवधि पूर्ण कर ली हो तब उसको जो है 24 माह का अवकाश दिया जा सकता है। असाधारण अवकाश में कोई वेतन दे नहीं होता है, तो ये आपका लीव विदाउट पे माना जाता है। और असाधारण अवकाश जब अन्य तरीके का अवकाश आपके पास नहीं बचते हैं तो फिर असाधारण अवकाश को क्लेम किया जाता है। आप वैसे भी क्लेम कर सकते हैं असाधारण अवकाश, अगर कोई असाधारण परिस्थिति आ गई है तो आप असाधारण अवकाश को क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं अध्ययन अवकाश पर। अध्ययन अवकाश उन सरकारी कर्मचारियों को देय होता है जिन्होंने अपनी 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो। इस प्रकार के अवकाश की स्वीकृति जो है वो इस प्रकार की जाती है कि असाधारण अवकाश प्लस चिकित्सा अवकाश प्लस इसके अतिरिक्त जो भी अवकाश हैं
उन सबको मिलाकर वो सरकारी कर्मचारी अपने जो नियमित कर्तव्य है उससे 28 माह से अधिक अनुपस्थित ना हो, इस प्रकार से अध्ययन अवकाश दिया जाता है। एक बार में मैक्सिमम 12 माह का अध्ययन अवकाश लिया जा सकता है और पूरी सेवा काल में मैक्सिमम 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश आप क्लेम कर सकते हैं। अध्ययन अवकाश के दौरान जो वेतन होता है वो आपको अर्ध वेतन यानी हाफ पे मिलता है। अध्ययन अवकाश की तरह एक और अवकाश होता है जिसे बोलते हैं लौकृत अवकाश। इसके अधीन उच्चतर वैज्ञानिक या प्राविधिक अर्हताएं प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों को ये लौकृत अवकाश दिया जाता है और ये एक बार में उनके निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किए जाने योग्य जितना जमा कुल अवकाश होता है उसके आधे के बराबर ही स्वीकृत किया जाता है। और जिस अवधि के लिए लौकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उस अवधि की दुगुनी अवधि के बराबर उनके निजी कार्य पर अवकाश के खाते में जो जमा अवकाश है उससे काट लिया जाता है। यानी अगर आप 40 दिन के लौकृत अवकाश पर जा रहे हैं तो आपके निजी कार्य पर अवकाश का जो खाता है उससे 80 दिन माइनस कर दिया जाता है। किसी एक बार में जो स्वीकृत किया जाने वाला लौकृत अवकाश होता है वो अगर आप एशिया से अंदर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो 45 दिन, अगर एशिया से बाहर रह रहे हैं तो मैक्सिमम 90 दिन का एक बार स्वीकृत किया जा सकता है। अर्जित अवकाश की तरह इस अवकाश में भी जो वेतन होता है वो आपको पूर्ण वेतन देय होता है। तो ये हो गया आपका लौकृत अवकाश। लौकृत अवकाश के अलावा और भी अवकाश होते हैं, जैसे एक हॉस्पिटल अवकाश होता है यानी चिकित्सालय अवकाश। चिकित्सालय अवकाश जनरली राजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों के लिए होता है, उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए होता है जो कि जिनकी ड्यूटी में दुर्घटना या जिन्हें बीमारी का खतरा हो तो वो हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए वो ये इस अवकाश को क्लेम कर सकते हैं। और ये अवकाश चाहे एक बार में लिया जाए चाहे किस्तों में लिया जाए लेकिन पूरी सरकारी सेवा लेकिन पूरी सेवा में 3 वर्ष की सेवा में मैक्सिमम 6 माह का ही देय होता है, इससे अधिक का देय नहीं होता है। चिकित्सालय अवकाश जो होता है कुल मिलाकर 28 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। और चिकित्सालय अवकाश जो होता है अगर प्रथम 3 माह का जो चिकित्सालय अवकाश होता है वो पूर्ण वेतन पर आपको देय होता है और उसके बाद की जो भी अवधि होती है उसमें वो अर्ध वेतन दे होता है। तो ये हो गया आपका चिकित्सालय अवकाश। इसी तरह का और भी अवकाश होते हैं जैसे विशेष विकलांगता अवकाश होता है वो भी स्वीकृत किया जाता है। इस तरह के तमाम और भी अवकाश होते हैं जो मेन मेन अवकाश जो है वो मैंने आपको आउटलाइन कर दिया। अब ये सारे अवकाशों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इन्हीं अवकाशों से संबंधित जो हमारी फाइनेंशियल हैंडबुक है वित्तीय हस्तपुस्तिका उसके अनुसार अवकाश के संबंध में कुछ और नियम हैं जिनको मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट नियम है आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला, अवकाश केवल ड्यूटी देकर ही उपार्जित किया जाता है। यानी जो अर्नड लीव होता है वो आप जितने जितनी सेवा प्रदान करेंगे उसी के सापेक्ष आपको 2.5 दिवस पर मंथ के हिसाब से अर्जित आप कर सकते हैं। अवकाश की मांग का दावा अधिकार के रूप में नहीं। मैंने आपको बताया था कि अवकाश आपका राइट नहीं होता है, तो अवकाश की मांग का दावा जो है वो अधिकार के रूप में नहीं लिया जाता है। यानी किसी अवकाश का दावा या मांग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है जैसे कि वो आपका अधिकार है। जब जन सेवाओं की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करती हों कि किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतः सक्षम होते हैं। यानी कोई जनहित की अगर जन सेवा की आवश्यकता है तो आपका जो अवकाश है वो निरस्त भी किया जा सकता है और आपको अवकाश से वापस भी बुलाया जा सकता है। कोई भी अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारंभ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारंभ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरंत पश्चात पड़ने वाले रविवार या अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की स्वीकृति अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश का आरंभ सामान्यतः उस दिन से माना जाता है जिस दिन संबंधित कर्मचारी अधिकारी द्वारा अपने कक्ष या कार्यालय का प्रभार हस्तांतरित किया जाता है। इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के दिवस को अवकाश समाप्ति का दिवस माना जाता है। बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमता अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता है जब तक कि इस संबंध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली हो। अब एक नियम आता है जिसमें कहा गया है जन सेवा के हित में अवकाशाधीन सेवक को वापस बुलाने का अधिकार। तो जन सेवा के हित में अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाशाधीन सरकारी सेवक को अवकाश का पूर्ण उपयोग किए बिना ड्यूटी पर वापस बुलाने का अधिकार दिया गया। यानी
कोई भी जन सेवा का अगर कार्य आ रहा है तो आपकी छुट्टी निरस्त करके आपको वापस बुलाया जा सकता है। अवकाशोपरांत जानबूझकर सेवा से अनुपस्थिति दुर्व्यवहार की श्रेणी में आती है और दंडनीय अपराध है। यानी अवकाश से जो गायब हो जाते हैं बिना बताए अनुपस्थित हो जाते हैं, अगर कोई रीज़न नहीं है तो ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी प्रकार एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है। सरकारी सेवक को निलंबन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता है। अगर कोई निलंबित होता है, सस्पेंड होता है, तो उसको अवकाश प्रदान किया जाता है, वो परमिशन लेके जा सकता है। अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश के प्रकार में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है।